दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल, आपका आईक्यू टेक्निकल में स्वागत करता हूं। सैमसंग ने अपना नया नवेला स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M31 हमारे मुल्क भारत में लॉन्च कर दिया है। ये सैमसंग गैलेक्सी M30s का सक्सेसर और अपग्रेड है। तो चलिए देखते हैं सैमसंग ने क्या क्या अपग्रेड किया है M31 में। सैमसंग गैलेक्सी M30s में हमें ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिला था, जिसका मेन कैमरा था 48 मेगापिक्सल का। लेकिन सैमसंग M31 में क्वाड कैमरा का सेटअप दिया हुआ है और जिसका प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ों की बड़ी बड़ी तस्वीरें खींच सकते हो, जिसमें नाइट मोड, सुपर स्टडी मोड और सुपर स्लो मोशन जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसमें देखने को मिलता है, इन्फिनिटी यू वाला। डिस्प्ले को गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है और इस इन्फिनिटी यू में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा छुपा हुआ है, जिससे आप अपने सुंदर मुखड़ी की अति सुंदर तस्वीरें खींच सकते हो और इसी 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा से वीडियो कॉलिंग और फेस अनलॉक भी कर सकते हो। गैलेक्सी M30s में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिला था। अब बात करते हैं फ़ोन की जान प्रोसेसर की। सैमसंग का एक्जीनोस 9611 प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है, जो हमें सैमसंग M30s में भी देखने को मिला था। और यह प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। गेमिंग मल्टीटास्किंग में इसकी परफॉर्मेंस कमाल की होने वाली है। ये एक ही 6 GB LPDDR4 रैम के साथ मिलता है और ये UFS 2.1 स्टोरेज के साथ आता है, जिसके दो वेरिएंट है, 64 GB स्टोरेज और 128 GB स्टोरेज। फोन की स्टोरेज को 512 GB तक के बढ़ा सकते हैं रीसेट करके, नहीं माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से। फोन का बैक पॉलीकार्बोनेट का है और इसके बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी की बात करें तो 3.5 mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, वाईफाई, ब्लूटूथ जैसे सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एट द टाइम डुअल सिम के साथ माइक्रो एसडी कार्ड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। गैलेक्सी M30s की तरह सैमसंग गैलेक्सी M31 में भी 6000 mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिलती है, जिसे सैमसंग मेगा मॉन्स्टर बैटरी कहता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बैटरी जल्दी ड्रेन नहीं होगी और ड्रेन हुई भी तो इसे चार्ज करने के लिए 15 W का फास्ट चार्जर बॉक्स के कंटेंट का एक हिस्सा है और यही सैमसंग गैलेक्सी M31 का सारा किस्सा है। अब फ़ोन की प्राइस की भी बात कर लेते हैं। 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज की प्राइस है 14,999 रुपये और 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज की प्राइस है 15,999 रुपये। प्राइस बहुत ही एग्रेसिव है, अब देखते हैं मार्केट में कितनी धूम मचाता है। आपको ये फ़ोन कैसा लगा इस प्राइस पर कमेंट करके बताना। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।